स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं कृपालु जी महाराज की जन्मस्थली भक्ति धाम, जो कि भक्ति मंदिर के नाम से फेमस है। और ये प्रतापगढ़ का एक तहसील है कुंडा, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। तो जन्माष्टमी की छुट्टी थी, हम और हमारे कुछ दोस्त निकल पड़े एक छोटी सी ट्रिप के लिए। ये मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। तो चलिए हम घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं भक्ति धाम। हम लगभग 4 बजे अपने होम टाउन से निकले भक्ति धाम के लिए, और रास्ते में जाते जाते दोस्तों के साथ मस्ती करते करते हम शाम को पहुँचे। हालांकि ये मंदिर 8 बजे रात में बंद हो जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये मंदिर रात तक खुला रहा। तो ये चीज़ हम लोगों को पता थी। बाकी अगर आप आ रहे हैं तो 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। बाकी आगे हम इस मंदिर की पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। हालाँकि जब हम पहुँचे वहाँ तो देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। तो हम भी ट्रैफिक में लोगों की तरह फंसते फंसाते चलते गए और काफ़ी देर तक इस जाम में फंसे रहे। महज 4 किलोमीटर की दूरी हमने 4 घंटे में तय करी थी, और ट्रैफिक की वजह से काफ़ी बुरा हाल हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि गाड़ी को कहीं रास्ते में ही पार्क करते हैं और पैदल निकल चलते हैं मंदिर की तरफ। तो वही हमने किया, गाड़ी खड़ी कर दी अपनी और निकल गए पैदल मंदिर की ओर। मंदिर घूमने से पहले हम इस मंदिर का कुछ इतिहास जान लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण कार्य 1996 को जगत गुरु, जो कि दुनिया के 5वें जगत गुरु हैं कृपालु जी महाराज, उनके द्वारा शुरू किया गया। और 2005 में इस मंदिर को भक्तों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया गया। जिस जगह पर यह मंदिर बनाया गया है, या कृपालु जी महाराज की जन्म स्थली है, इस गांव में कृपालु जी रहा करते थे। यह स्थान उत्तर प्रदेश के एक ज़िले जो कि है प्रतापगढ़, वहाँ की एक तहसील है कुंडा, वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, और इस जगह का नाम है मानगढ़। महाराज जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ये पूरे देश को पता है, लेकिन देश में कई अलग अलग जगहों पर मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे प्रेम मंदिर, वृंदावन, कीर्ति मंदिर, बरसाना आदि। इन मंदिरों की देख रेख जगत गुरु कृपालु परिषद करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है। यहाँ आपको फ्री पार्किंग, फ्री शो स्टॉल, बहुत कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। और इस मंदिर में 2 बड़े समारोह आयोजित होते हैं, एक आज का दिन जो कि है जन्माष्टमी, तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरा राधाष्टमी। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जो कि लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से राजस्थान और अहमदाबाद के वास्तुकारों द्वारा बनाया गया है। प्रेम मंदिर की तरह इस मंदिर में भी भगवान कृष्ण की जीवन लीला को झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि आगे चल के हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये रही मंदिर की कुछ डिटेल्स, जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो आगे ब्लॉग में बने रहें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे और मंदिर घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं।
यहाँ बनी झांकियों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, तो इन झांकियों का आनंद आप बाकी के दिनों में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी है तो सिर्फ इसीलिए, जैसे प्रेम मंदिर में रोज़ झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, वैसे ही इस मंदिर में भी रोज़ झांकियों का प्रदर्शन होता है। तो ये है ताड़का वध का कुछ दृश्य। अब आपको हम ले चलते हैं शेषनाग की झांकी, जो कि काफ़ी अच्छी और सुंदर थी। सब कुछ देखने के बाद हम एक जगह पर बैठे। इस मंदिर में साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, आप कहीं भी आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और लाइव स्क्रीन पे हमें काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था, जैसे प्रेम मंदिर का लाइव, कीर्ति मंदिर से लाइव, तो हम उसके मज़े ले रहे थे। अब वक्त हो चुका था हमारे यहाँ से निकलने का, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, 12:30 हमें मंदिर के अंदर ही हो गए थे, क्योंकि अब मेन गेट बंद हो चुका था। हालांकि एग्ज़िट अभी चालू था, तो हमने वहाँ से प्रसाद लिया और निकल पड़े अपने घर के लिए वापसी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।